देखो बेटा, अपना फ्यूचर दांव पर मत लगाओ। जानती हूँ कि एजुकेशन हार्ड एंड बोरिंग है, लेकिन हार्ड एंड बोरिंग? हाँ, अब असल बात आई आपकी ज़बान पर। जब हम 5 साल के होते हैं तो ये हार्ड एंड बोरिंग का काम शुरू होता है। 20 से 24 साल तक ये हार्ड एंड बोरिंग पर प्रैक्टिस चलती है। ज़िंदगी के इन 20 हार्ड एंड बोरिंग सालों में हम 1000 मरतबा स्ट्रेस लेते हैं, और हमारे पेरेंट्स भी लेते हैं, क्योंकि वो हमें फर्स्ट पोजीशन लेते हुए देखना चाहते हैं। क्या 20 साल हार्ड एंड बोरिंग ज़िंदगी गुजारने के बाद इंसान बाकी की ज़िंदगी बगैर बोरिंग गुजार सकता है? शट अप, तुम अपने चचा की ज़ुबान बोल रही हो। क्या जवाब दिया है तुमने अंदर? I was shocked. कहाँ से सीखी तुमने ये सारी बातें जो अंदर की हैं? चाचा गुलजार से। वो कहते हैं लोग 1 महीना सिगरेट पीने के बाद मुश्किल से सिगरेट छोड़ पाते हैं। तो फिर हम 20 साल इस हार्ड एंड बोरिंग पढ़ाई के बाद बाकी की ज़िंदगी कैसे बोरिंग होना छोड़ देंगे? चाचू एजुकेशन के ख़िलाफ़ नहीं है, वो उस मेथड ऑफ एजुकेशन के ख़िलाफ़ है जिसे हार्ड एंड बोरिंग लोगों ने डिज़ाइन किया है, और इसे इंटरेस्टिंग होना चाहिए। बात तो ठीक कह रहे हैं वो। चाचू मेरा आईना थे, मेरे एक दोस्त थे वो। मैं अपनी हर प्रॉब्लम उन्हीं से तो शेयर करती थी। बाबा मामा ने मुझसे मेरा दोस्त छीन लिया। यार रिमशा, मुझे घुटन हो रही है, मुझे बाहर जाना है, प्लीज़ मेरी मदद करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। आज नहीं, एक आध दिन सब्र करते हैं ना, ताकि उनका शक ख़त्म हो जाए। ठीक है। तुमने जो थी प्रोफाइल बनाई ना, कोई रिजल्ट, कोई रिश्ता, कोई मेल, कुछ हुआ? आपको शादी नहीं करनी चाहिए। I love you from the bottom of my heart, Natalia. I love you. I love you too, Natalia. देखिए नया ड्रामा सीरियल एक झूठी लव स्टोरी 25 दिसंबर से वीर और मंगल रात 8 बजे। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।